दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बहुत सारी तादाद में पूरे देश में लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में जिस तरह से लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जिससे प्रदर्शनकारियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं और वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं हिंसक हो जाता है। लेकिन हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रदर्शनकारियों की गलती बताई जाती है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि किस तरह से एक साजिश के तहत प्रदर्शन को खराब कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका भी मानना है कि इस बिल में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले हिंदी सिनेमा में दिखाया गया था कि कैसे एक पार्टी का आदमी तिलक लगाकर मुस्लिम बस्ती में जाकर उत्पात मचाता है, फिर वही आदमी लुंगी और टोपी पहनकर हिंदू बस्ती में जाकर आगजनी करता है। यह एक फिल्म का डायलॉग था या फिर एक फिल्म का सीन था, लेकिन यह अब सच होता नजर आ रहा है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसा ही आंदोलन बंगाल में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। दरअसल द टेलीग्राफ अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार बंगाल के मुर्शिदाबाद से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं आपको बता दूं, वे लुंगी और टोपी पहने हुए थे और ट्रेन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। उनमें से एक ने अपना नाम अभिषेक सरकार बताया है, वह भाजपा का कार्यकर्ता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खुलासा है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं। हालांकि बताया ये जा रहा है 6 लोगों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये लोग अपने नाम की पुष्टि कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं और इन्होंने पत्थरबाजी की है ट्रेन पर लुंगी और टोपी पहन करके, यानी कि एक विशेष धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को, यानी कि उसके नाम पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से साजिश रची जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा खुलासा, यानी कि टोपी और लुंगी पहन करके भाजपा के कार्यकर्ता घुस जाते हैं ऐसे कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा हूं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, लाइव बिहार की रिपोर्ट है, द टेलीग्राफ में छपी हुई खबर है जिसके जरिए से मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पे, अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।